तो चलिए अब आपको बताते हैं बजट की 7 प्राथमिकताएं कौन सी थी। बजट की प्राथमिकताएं जिसका जिक्र भी किया, समावेशी विकास बजट की पहली प्राथमिकता, समावेशी विकास रही, सभी का विकास हो और विकास के लिहाज से, योजनाओं के लिहाज से लोगों को अवसरों की समानता भी प्राप्त हो, ये हरित विकास दूसरी आज प्राथमिकता ये बताई गई। युवा शक्ति को तीसरी प्राथमिकता के तौर पर बताया गया और साथ ही आखिरी दिन तक पहुंच, अंत्योदय तक पहुंच किसी की किस तरह से की जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए सभी योजनाएं, सभी लाभ, वित्त क्षेत्र की मजबूती भी प्राथमिकता रही और साथ ही छठी प्राथमिकता रही इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की। अगर वो विकसित होगा तो देश विकसित होगा, क्षमता विकास, कैपेसिटी विकास भी 7 प्राथमिकताओं में आज शुमार रहा। तो टैक्स आज खूब चर्चाओं में रहा क्योंकि टैक्स पेयर्स को जो राहत मिली है, अब आपको समझाते हैं अब कितना टैक्स देना होगा, यानी कि बजट में घोषणाओं के बाद में क्या टैक्स रहेगा। 7 लाख तक अगर कमाते हैं, 7 लाख रुपए के अंदर अगर आपकी सालाना कमाई है तो 0 टैक्स होगा और 7 लाख से ज्यादा अगर आए हैं तो पहले था 3 से, मतलब आप मान लीजिए कि 3 लाख तक अगर आप कमा रहे हैं तो 0 उससे पहले, लेकिन अब ये फायदा इस लिहाज से क्योंकि उसमें आपको इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 3 से 6 लाख रुपए तक 15,000 रुपए टैक्स देना होगा। टैक्स की सीमा को इस तरह से निर्धारित किया गया है क्योंकि 7 लाख तक का तो व्यय इसमें बताया ही गया है। इसके अलावा 6 से 9 लाख तक 45,000 रुपए, पहले 7,000 रुपए था लेकिन 15,000 रुपए की छूट इसमें भी मिलेगी। इस नए टैक्स पे सिस्टम के दौरान 6 से 9 लाख रुपए तक 45,000 रुपए सालाना टैक्स अगर आप भरते हैं तो उसमें भी 15,000 रुपए की छूट, क्योंकि पहले इससे पहले जो बजट था उसमें ये 60,000 देना होता था। 9 से 12 लाख अगर कमाते हैं सालाना तो 90,000 रुपए उस पर टैक्स होगा। 1,15,000 पहले था लेकिन अब उस पर भी छूट दी गई है और 12 से 15 लाख अगर कमाते हैं सालाना तो उस पर 1,50,000 रुपए टैक्स, 1,87,500 पहले था, 37,000 की बचत अब इसमें भी हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं रियायतें यहां पर इस तरह से बढ़ाई गई है और ये एक बदलाव जो कि 2014 के बाद कुल 8 सालों का इंतजार इसके लिए किया था, क्योंकि तभी से दरकार थी कि इस तरह के सिस्टम को डेवलप किया जाए जिसमें टैक्स पेयर्स को, मध्यम वर्गीय परिवारों से जुड़े हुए लोग जिनकी सालाना आय इस तरह से होती है, उन्हें भी कुछ रियायत तो अगर दी जाए। और टैक्स स्लैब ही आज नया रिजीम और ओल्ड रिजीम, पूरा रिजीम यहां पर समझ में लोगों को आया। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्योंकि आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं खिलौने, खिलौने सस्ते हुए हैं। खिलौनों को अब अगर आप दुकान पर खरीदने जाएंगे तो आप पाएंगे कि खिलौने सस्ते हो गए हैं। साइकिल भी सस्ती हुई है, साइकिल चलाना, बच्चों के शौक पूरे करना अब आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि साइकिल सस्ती हुई है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स है, मोबाइल फोन्स अब खरीदने जाएंगे तो वो भी सस्ते होंगे। मोबाइल कैमरा लेंस, मोबाइल कैमरा लेंस भी कुछ इस तरह की श्रेणी में है जो कि सस्ते हुए हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल की अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल भी सस्ता हुआ है। ऑटोमोबाइल में भी खासतौर पर जब आप समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों का अगर जिक्र करा जाए तो वो भी सस्ता हुआ है। तो सस्ता ये हुआ है और महंगे की श्रेणी अगर बताई जाए तो विदेशी चांदी महंगी हुई है, यानी कि ज्वेलर्स को भी इस चीज को लेकर के पहले कम आप उन पर टैक्स लगाइए ये था, लेकिन हीरा डायमंड को लेकर आज एक सवाल उठा था, डायमंड महंगा हुआ है। इसके अलावा सिगरेट पर भी महंगाई अब बढ़ेगी, यानी कि सिगरेट अगर खरीदे जाएंगे तो ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। पीतल महंगा हुआ है और सस्ता हुआ है ऑटोमोबाइल, ये महंगा और सस्ता दोनों का एक कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाने की कोशिश की गई है। सस्ता अब देख के चले इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिन्हें सपोर्ट करने की कोशिश भी की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोर्ट करने के लिए सस्ते रखे गए हैं, लोगों तक पहुंच बढ़ाई जाए, लोगों तक अप्रोच बढ़ाई जाए। और विदेशी खिलौने महंगे किए गए हैं दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सस्ता और महंगा अब लिथियम बैटरी आपको सस्ती पड़ेगी। लिथियम बैटरी को अगर आप लेने जाएंगे तो वो कंपैरेटिवली आपको सस्ती मिलेगी और कपड़े अब महंगे हो जाएंगे। लिथियम बैटरी सस्ती, कपड़े महंगे, सस्ता होगा एलईडी टेलीविजन को सस्ता पाएंगे बाजार में जाएंगे। और हीटिंग इक्वालेंसेस महंगे होंगे, यानी कि हीटिंग इक्वालेंस महंगे अब आप पाएंगे। एक्सरे मशीन सस्ती होगी, अस्पतालों के लिए अच्छी बात, और जो निजी चिकित्सालय हैं जो नर्सिंग होम्स हैं उनके लिए एक्सरे मशीन सस्ती हो पाएगी। और महंगा होगा बायोगैस से जुड़ा हुआ संपादन, यानी कि उससे जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं वो सस्ती, वो महंगी हो जाएंगी। और चलिए बजट की बात जब कर रहे हैं तो बजट में इस चीज को भी समझने की कोशिश की जाए क्योंकि 100 सालों का एक रूपरेखा को तैयार किया गया है, लेकिन 100 सालों की रूपरेखा के दौरान भी अगर 13.7 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च इसमें तय है, कैपिटल निवेश यानी कि जीडीपी
3.3% पर होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि डेवलपमेंट की यहां पर बात की जाती है। आईटी सेक्टर को इससे जोड़ करके डिजिटल लाइब्रेरी किस तरह से बनाई जाए, पूंजीगत खर्चों के लिए 10,00,000 करोड़ का भी इसके अंदर एक प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के लिए फंड 66% बढ़ाया है, 78,000 करोड़ से भी ज्यादा का उसको किया गया है और साथ ही साथ अब अपने घर की छत और अपने घर का सपना लेने वाले लोगों के लिए सही रहेगा। निजी क्षेत्र की मदद के लिए 100 योजनाओं की पहचान इसके लिए की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या खास है वो आपको बता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा बजट के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान आज इस नए यूनियन बजट में। अर्बन इंफ्रा के लिए हर साल 10,000 करोड़ दिए जाते हैं लेकिन इस बार आदिवासियों के विकास पर भी 15,000 करोड़ रुपए तो दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए वो खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान। निर्धन कैदियों के लिए सरकार की नई योजना, क्योंकि जो कैदी है जो निर्धन है वो हरित ऊर्जा में निवेश की नीतियों पर भी काम कर पाएंगे क्योंकि वो भी सरकार की प्राथमिकताओं में था। साथ ही कोविड प्रभावित एमएसएमई को राहत, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को राहत कोविड से जो प्रभावित हुए हैं और उस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा। साथ ही लैब में बने हीरे के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, यानी कि लैब में जो हीरा बनाया जा रहा है उसमें भी रोजगार के अवसर को किस तरह से बढ़ाया जाएगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, एक ही जगह पर सारे डॉक्यूमेंट। 5G के लिए 100 लैब भी बनाए जाएंगे, यानी कि 5G टेक्निक को पहुंचाने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन भी होगा। कारोबार में वन स्टॉप समाधान पर जोर दिया जाएगा, एक क्लिक पर आपकी समस्याएं अगर ठीक हो पाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसके अलावा ई कोर्ट योजना का फेज 3 भी शुरू हो जाएगा और 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया, यानी कि ये लक्ष्य रहेगा जहां शून्य कार्बन हो जाए। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र भी खोले जाएंगे और ये एक नई प्रक्रिया आपको नजर आएगी क्योंकि KYC की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, डिजी लॉकर का इस्तेमाल भी बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए पहचान पत्र के तौर पर पैन को भी मान्यता दी गई है और कहा जा सकता है इस लिहाज से भी क्योंकि अब इंडिया मेक इन इंडिया के रास्ते पर बढ़ रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री की संकल्पना भी कई बार रही है, हमने देखा है कि 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं और जगह जगह पर कैंप लगाकर के इसके लिए लोगों को जागरूक किया गया। 2022 में 1.24 लाख करोड़ UPI लेन देन हुआ है। और अब आपको बातचीत के जरिए समझाते हैं कृषि के लिए बजट में क्या कुछ खास रहा, क्योंकि यूनियन बजट था और यूनियन बजट के दौरान कृषि के क्षेत्र में खासियत इस बात की रही क्योंकि यहां से उम्मीद लोगों को बहुत ज्यादा थी। ग्रीन ग्रोथ का जिक्र किया, प्राथमिकताओं में भी शुमार था। बड़ी प्राथमिकता थी कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाए और कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता मिलेगी नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के द्वारा, क्योंकि गठन जब होगा तो कमजोर किसानों के लिए सहकारिता मॉडल भी तरीके से स्थापित किया जाएगा। सहकारी बैंकों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और वहां पर भी एक IT की झलक देखने को मिलेगी। डेटाबेस सोसाइटी का तैयार होगा, सहकारी सोसाइटी के डेटाबेस को तैयार किया जाएगा। बागवानी योजना के लिए खासतौर पर 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है और डिजिटल टेक्निक से खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। यूरिया का कम उपयोग हो और एक तरीके से ऑर्गेनिक उसको किया जाए, इसको लेकर के किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग भी मिलेगी। यूरिया की वो पैदावार उसे यूज ना करें और मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के प्रयास होंगे। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, उसकी वजह से ये कहा जाता है कि ना सिर्फ शरीर बल्कि मन भी उससे दुरुस्त होता है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर भी विशेष ख्याल इस कृषि बजट में रखा जाएगा और कृषि लक्ष्य को बढ़ाकर ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20,00,000 करोड़ रुपए किया गया है। ये वो लक्ष्य है जो कि ऋण के आधार पर है। बाजरा संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन भी देने की जो जानकारी है वो इस बजट के दौरान अपने भाषण में बताई गई। अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की उपज को बढ़ाने की कोशिश भी की गई है और उपज बढ़ाने की कोशिश आधार पर क्योंकि क्लस्टर आधारित और मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण इसमें अपनाई जाएगी। और साथ ही साथ कृषि बजट ये भी बता रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि खेती से और खलिहानों के जरिए अपनी आजीविका को कमा रहा है, तो कृषि त्वरक कोष की स्थापना भी की जाएगी। कृषि त्वरक कोष की स्थापना के लिए मॉडल बनाया जाएगा। किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये वो प्रोग्राम्स होंगे जिसके जरिए जागरूकता की जाएगी। 63,000 एग्री सोसाइटीज को कंप्यूटराइज किया जाएगा। कुल मिलाकर के कंप्यूटराइजेशन की और डिजिटलाइजेशन की जो एक झलक है वो नजर आएगी। पशुपालन और मछली पालन के लिए कर्ज देने की रफ्तार बढ़ेगी, जो पहले स्लो थी उसको बढ़ाया जाएगा। मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस संबंध में भी और फिशरीज के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो डिमांड पहले समझ में आ रही थी उसको बढ़ाने की कवायद होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की शुरुआत भी इसके लिए की जा रही है और मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत तमाम ट्रेनिंग यहाँ पर उन लोगों को दी जाएगी जो कि इसमें निवेश अपना करना चाहते हैं या फिर इसके जरिए अपने अपने जो सुअवसर हैं उनको तलाशने की कोशिश करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कृषि की बात की और चलिए अब बात करते हैं हेल्थ के लिए क्या कुछ खास रहा है इस बजट में। हेल्थ बजट अब आपको बताते हैं, मेडिकल बजट, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नई योजनाएं लाई जाएंगी और फार्मास्यूटिकल की वजह से 2047 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य, खून की कमी किसी को नहीं होगी। मेडिकल उपकरण के लिए डिसिप्लिन स्कूल भी रखे जाएंगे, जो मेडिकल बजट है उसको आपको समझा रहे हैं। ICMR लैब की संख्या देश भर में बढ़ाई जाएगी और अगर वो संख्या देश भर में बढ़ती है तो यकीनन योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा, अगर चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना उस क्षेत्र में तो वो भी आसान होगा, वो भी त्वरित हो पाएगा। मेडिकल बजट के लिए क्या कुछ खास रहा वो समझा रहे हैं। फार्मा, फार्मास्यूटिकल और फार्मा निवेश पर प्राथमिकता सरकार की रहेगी। फार्मा सेक्टर के लिए नई योजनाएं आएंगी क्योंकि कोविड के समय जरूरत सभी को समझ में आई। R&G कंपनियों को रिसर्च के लिए निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें इंकरेज किया जाएगा। दरअसल 2014 से 147 मेडिकल कॉलेज जो बनाए गए थे अब 157 नर्सिंग कॉलेज भी उसी क्रम में बनाए जाएंगे। कॉलेजेस बना दिए गए हैं, नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे और नर्सिंग कॉलेज जब बनेंगे तो जरूरत और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और भी ज्यादा पहुंच इस चिकित्सा सेवाओं की लोगों की बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, कृषि की बात हो गई, चिकित्सा की बात हो गई, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा का भी है। शिक्षा के क्षेत्र में बजट में क्या कुछ खास रहा अब आपको समझाते हैं क्योंकि शिक्षा की व्यवस्थाओं को और कौशल विकास के लिए घोषणाएं आज इस बजट में की गई है। शिक्षा और कौशल विकास को लेकर युवाओं और बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी क्योंकि डिजिटलाइजेशन सभी कुछ का किया जा रहा है, आसानी उनके लिए भी आने वाले समय में होगी। पंचायत वार्ड लेवल तक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें मिल पाएगी, रुचि जो है वो बढ़ पाएगी पढ़ने के लिए और उम्र के हिसाब से किताबें मिलेंगी। जिस तरह का मानसिकता जिस उम्र की रहती है उसके हिसाब से प्रत्यक्ष पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा विद्यालयों को भी। और आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य स्कूल खुलने वाले हैं। 740 एकलव्य स्कूल आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समर्पित होंगे। इस मॉडल एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38,800 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। पैन इंडिया ये सब कुछ किया जाएगा, ये टीचर्स वहां पर नियुक्त होंगे और टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए संस्थान भी खुलेंगे। ना सिर्फ उनकी नियुक्ति की जाएगी बल्कि उनके प्रशिक्षण के लिए संस्थान उन्हें बकायदा ट्रेन इसके लिए करेंगे। NGO के साथ मिलकर साक्षरता पर काम किया जाएगा, जरूरी है लोगों तक पहुंचाना और साक्षरता अभियान से जुड़े NGO को सहायता भी की जाएगी जो ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस अभियान से जुड़े NGO की सहायता की जाएगी। मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुविषयक सहायक सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी। 2023-24 में आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल्स खोले जाएंगे और विशेष स्कूल्स यहां पर सिर्फ उनकी शिक्षा के लिए समर्पित होंगे। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेष तौर पर किया है। शिक्षा के बजट की खास बातें आपको बता रहे हैं, जो हाईलाइट्स रहे, जो के नोट्स रहे, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए विकास के लिए सबसे बड़ी और पहली जरूरत ये सभी होते हैं। तो लगातार देखिए सभी कुछ आपको बताया बजट के बारे में, अब आगे भी बताते हैं। रेल का बजट इस बार काफी ज्यादा विविध रहा क्योंकि रेलवे बजट में एक बार फिर से बढ़ोतरी नजर आई है। रेलवे बजट की अगर अब बात करें तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अभी नजर आई है। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है। ये बजट समझने की कोशिश, क्योंकि इसे कोऑर्डिनेट पहले अलग तरीके से किया जाता था लेकिन अब सबसे ज्यादा बजट का चूंकि आवंटन हो चुका है, रेलवे बजट में इस रफ्तार से जब ट्रेन दौड़ेगी और पैसे क्योंकि उसके लिए उस तरह से प्रावधान में दिए गए हैं, 2014 में आवंटित बजट से 9 गुना ज्यादा है, यानी कि 9 गुना स्पीड के साथ में भारतीय रेल सुपर स्पीड के साथ अब भागने वाली है। रेलवे में 75,000 नई भर्तियां होंगी और नई भर्तियां सीधे तौर पर बताती है कि रोजगार का सृजन भी होगा। रोजगार के सृजन के लिए 100 नई योजनाओं की शुरुआत भी होगी और योजनाएं भी यहां पर प्रशिक्षण मांगेंगी। नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ का फंड दिया जाएगा। रेलवे बजट बहुत विविध है, इसको समझने की कोशिश इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि 9 गुना ज्यादा ये बीती कई सालों के बजट से ज्यादा बताया जा रहा है। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान भी की जाएगी, नियुक्तियां भी होंगी और इस सिलसिले में जब आने वाले दिनों में जब और तस्वीरें क्लियर होंगी तो आप समझ भी पाएंगे क्योंकि रेलवे के बजट के लिए पहले आपको ज्ञात होगा कि अलग से एक बजट निकाला जाता था और उसके बाद में पूरा दिन उस पर चर्चा की जाती थी, लेकिन उसके बाद में अब
जब नजर इस पर दौड़ाई गई और रेलवे के बजट को देखा गया तो समझ आ पाया कि रेलवे का बजट हमारे लिए आने वाले दिनों में 9 गुनी तेज रफ्तार के साथ दौड़ पाएगा। आगे भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। भारत की ओर से तस्वीरें जब दिखाई तो अब आपको समझाते हैं कि ट्रांसपोर्ट बजट में क्या कुछ खास रहा है और क्या आपको समझने की जरूरत है इस ट्रांसपोर्ट बजट के जरिए। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा बजट के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान यूनियन बजट में आया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट वाटर वेज बनाने का लक्ष्य यानी कि कनेक्टिविटी को इस तरह से भी बढ़ाया जाएगा। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट भी बनेंगे, वाटर वेज बनेंगे, हेलीपोर्ट्स एरोड्रम भी बनाए जाएंगे, हेलीपोर्ट्स भी होंगे, एरोड्रम भी इसके लिए बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के जरिए किस तरह से जो सुविधाएं हैं उनमें तो वृद्धि की ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ अब आपको समझाते हैं कि पर्यटन यानी कि टूरिज्म को इस बजट में क्या कुछ मिला, क्या हिस्से पर्यटन के आया। तो सबसे पहले पीपीपी मॉडल के जरिए टूरिज्म को बूस्ट दिया जाएगा और ये मॉडल उसके लिए कार्य में दिया जाएगा। पर्यटन को युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे, जो पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद में संपूर्ण पैकेज के रूप में उनको विकसित किया जाएगा। वहां पर होटल्स भी होंगे, लोगों के पहुंचने के लिए व्यवस्थाएं अलग तरीके की होगी, रोजगार उससे होगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को विकसित इस नजरिए से किया जाएगा क्योंकि इन्हें पहले चिन्हित किया जाएगा। राज्यों को यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, इससे राज्यों के लिए भी एक तरीके का वन वे कनेक्शन हो पाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा इस पर्यटन के बजट के जरिए बताया गया है कि दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब ये सोचा जाएगा कि इसमें क्या और चीज़ें जोड़ी जा सकती है, टूरिज्म को किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है, तो ये तमाम चीज़ें रहेंगी बजट में। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि नागरिक उड्डयन बजट में क्या खास रहा है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जरूरी और कोविड के बाद इसने भी मार झेली है। तो एविएशन में यानी कि नागरिक उड्डयन बजट में क्या रहा। उड़ान योजना को बूस्टर डोज मिली है, उड़ान योजना को बूस्टर डोज मिली है क्योंकि 50 नए एयरपोर्ट खोलने की तैयारी की गई है और अब 50 नए एयरपोर्ट अलग अलग जगह पर खोले जाएंगे। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हवाई अड्डे भी बनाए जाएंगे यानी कि एयरपोर्ट और हवाई अड्डे। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को दुरुस्त करने की योजना है यानी कि वहां पर तमाम सारे प्रिकॉशंस होने चाहिए जो ना सिर्फ फॉग से बल्कि दूसरे और खतरों से भी बचा पाए। हेलीपोर्ट्स होंगे, एरोड्रम भी बनाए जाएंगे। एविएशन में भी बदलाव क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं के लिए रोजगार का चयन किया ही जाएगा। तो हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार की बात की जा रही है। हवाई यात्राओं में बढ़ोतरी की गई है क्योंकि जो कोरोना की मार झेली है एविएशन ने, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के